हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फ्यूचर नॉलेज पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि एमएस वर्ड में हिंदी नोट पेज कैसे बनाए जाते हैं, और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि एमएस वर्ड में इंग्लिश नोट पेज कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एमएस वर्ड ओपन कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को पेज लेआउट पे जाना है और साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें मोर पेपर साइज को सिलेक्ट करना है और मार्जिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इन सारे कॉलम में आप सबों को 0 पुट करना है और ओके पर क्लिक करेंगे। अब फोर लाइन मार्किंग के लिए इंसर्ट पे जाएंगे और टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इसे पेज के अनुसार एडजस्ट करना है। इन लाइनों को कलर करने के लिए पेन कलर पर क्लिक करेंगे और रेड कलर चूज करेंगे। फिर ड्रॉ पेज पर क्लिक कर फोर लाइन के ऊपरी लाइन और निचली लाइन दोनों को कलर करना है। अब इस लाइन को पूरे पेज में फिल करने के लिए फोर लाइन के कॉर्नर में प्लस चिन्ह से सिलेक्ट कर कीबोर्ड के कंट्रोल बटन को दबाते हुए इसे माउस से नीचे पुट करना है और इस तरह पूरे पेज को फिल कर देना है। अब एक सीधी लाइन मार्किंग के लिए इंसर्ट पर जाएंगे, सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन सिलेक्ट करेंगे और इसे कुछ इस तरह नीचे ट्रैक करते हुए इसे एडजस्ट करेंगे। इस लाइन में कलर करने के लिए पेंसिल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डेट और पेज नंबर लिखने के लिए फिर इंसर्ट पर जाएंगे और सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसमें से कोई एक अच्छी तरह से सेव सिलेक्ट करेंगे। इसे कुछ इस तरह फैलाते हुए अच्छी तरह से पेज की साइज के अनुकूल एडजस्ट करेंगे। अब इसे भी रेड कलर कर माउस के राइट बटन पर क्लिक कर गेट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें डेट और पेज नंबर कुछ इस तरह टाइप करेंगे। अब इसे कीबोर्ड के कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर इसे भी रेड कलर कर देंगे और इस तरह